नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल हमारे यूट्यूब चैनल ड्रैगो स्टडी में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर मैं आपके लिए रोज लेकर आता हूं नई नई गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन, उनके एग्जाम्स, एडमिट कार्ड्स और रिजल्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, ऐसी अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस MTS का जो रिक्रूटमेंट था 2017 है का, जिसके कि नवंबर के करीब जो आपके फॉर्म जो भरे गए थे, तो उनके एडमिट कार्ड निकलने शुरू हो चुके हैं। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली पुलिस की, उस पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड जो निकलवा सकेंगे। 5 तारीख से जो है 5 दिसंबर से जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है उनका यहाँ पर जो कमेंट वो आ रहा था कि यहाँ पर जो इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस की वीडियो मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बनाकर जो दे दी थी। और सिलेबस के बाद कमेंट आए कि सर इसमें जो ट्रेड टेस्ट होगा तो ट्रेड टेस्ट जो किस तरह से होगा, तो इस वीडियो में स्पेशली मैं बताने वाला हूँ कि ट्रेड टेस्ट है वो किस तरह से होगा, और पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेड टेस्ट में आपको कितने नंबर जो लेने हैं, लिखित परीक्षा में कितने नंबर आपको चाहिए होंगे ताकि आप ट्रेड टेस्ट दे सकें, और उसके बाद लास्ट में जो मेरिट लिस्ट जो वो बनेगी, कट ऑफ जो आएगी वो किस तरह से जो आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि जो रिटर्न एग्ज़ाम होना है उसका जो पैटर्न है किस तरह है, वो पैटर्न मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन फिर भी आप जल्दी जल्दी से अब यहाँ पर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले एक बात जो बार बार पूछ रहे हैं कैंडिडेट कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें कोई भी इस बारे में नहीं बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। और तीसरी बात कि OMR बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ऑफलाइन होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो जो क्वेश्चन आएंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जो आपके क्वेश्चन वो आएंगे, तो आप जिस तरह से भी आप अपने आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप सब अपने कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसके बाद देखिए कि पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इसमें बार बार कैंडिडेट कि फिजिकल होगा कि नहीं होगा, तो इसमें कोई फिजिकल नहीं होगा, कोई आपकी हाइट चेस्ट वगैरह कुछ भी जो वहाँ पर नहीं नापी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जो लिखित परीक्षा आपकी होगी उस दिन आप जो अपना घर से ही क्लिप बोर्ड, यानी कि जो आप स्कूल टाइम में आप देखते थे 10वीं 12वीं का जो एग्ज़ाम देते थे, तो आप घर से फट्टा यानी कि बोर्ड जो लेकर जाते थे, वही बोर्ड आपको यहाँ से घर से ही जो लेकर जाना है, और साथ में 2 बॉल पेन यानी कि काले भी हो सकते हैं या नीले, जो भी ब्लैक या ब्लू जो जिस तरह का आप लेना चाहें वो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने की बात थी। अच्छा, इसके बाद देखिए जो आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, तो एग्ज़ाम में आपको जो रिटर्न एग्ज़ाम में कम से कम 40% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए अगर आप ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें जो है 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे टोटल वैकेंसीज के, यानी कि 707 टोटल वैकेंसीज हैं, तो 2800 के करीब कैंडिडेट जो वो वहाँ पर बुलाए जाने हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि जो कट ऑफ वहाँ पर बनाई जाएगी दिल्ली पुलिस की ओर से, तो अगर उस कट ऑफ के से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं तो सभी को जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि 40% मार्क्स जो आपको लेने ही होंगे रिटर्न एग्ज़ाम में। अच्छा, इसके बाद देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की, जो यहाँ पर जिससे कि आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, और जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आपकी आएगी ट्रेड टेस्ट के लिए वो भी यहाँ पर वेबसाइट पर ही आएगी। ये दोनों वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली पुलिस की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए कि जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा उसके जो कट ऑफ आएगी या फिर उसकी जो आंसर की है वो भी आपकी वेबसाइट पर जो है वो डाल दी जाएंगी। तो वहाँ पर अगर आपकी कोई भी वहाँ पर क्यूरी होती है, तो कोई ऑब्जेक्शन होता है, तो आप ये देखिए एड्रेस यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, सहायता केंद्र से भर्ती प्रकोष्ठ, दिल्ली पुलिस भर्ती प्रकोष्ठ, नई पुलिस लाइन्स, किंग्सवे कैंप, या तो ये एड्रेस यहाँ पर इन्होंने दिए, वहाँ पर जाकर आप अपना ऑब्जेक्शन उठा सकेंगे जिस दिन भी की आ जाएंगी उसके 15 दिन के बाद तक, ठीक है। शनिवार और रविवार और राष्ट्रीय अवकाश जो है उनको छोड़कर किसी भी दिन आप वहाँ जा सकेंगे 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं इन्होंने, इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई वहाँ पर दिक्कत हो रही है तो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए कि इन्होंने दिया कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, और ये जो चीज़ें हैं अपनी वहाँ पर एग्ज़ाम के समय लेकर ज़रूर जाएं, और जो अपना वो जो आपका वो होगा क्या बोलते हैं उसको ट्रेड टेस्ट, जो ट्रेड टेस्ट होगा ट्रेड टेस्ट के टाइम भी आप दोनों चीज़ें जरूर जो लेकर जाएं, और एक कोई भी ID जिस पे कि आपका फ़ोटो लगा हो, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, या अपना कॉलेज का, स्कूल का जो भी आधार जो ID कार्ड हो सकता है, कुछ भी इनमें से हो वो लेकर ज़रूर वहाँ पर आपको जाना है,
ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए कि मैंने अभी बताया था कि रिटर्न एग्जाम के बाद जो आंसर की हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपकी डाल दी जाएंगी, 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। और जो ट्रेड टेस्ट है वो आपका होगा 20 नंबर का, जिसमें कि 10 नंबर आपने लेने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 10 नंबर आप नहीं लेते हैं तो डिसक्वालीफाई वहीं से हो जाएंगे। तो अगर आप सरकारी नौकरियों की जो जुड़ी अलर्ट है नई वैकेंसी से रिलेटेड या फिर एडमिट कार्ड या रिजल्ट से रिलेटेड, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा लीजिए। अच्छा इसके बाद बात करते हैं कि जो ट्रेड टेस्ट होगा अलग अलग वैकेंसीज के लिए तो वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले मैं आप बता दूँ जो रसोईया है उसके लिए ट्रेड टेस्ट में जो क्या कुछ पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आपका मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है या प्रैक्टिकल हो सकता है। वहाँ पर अभी इस बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने सुना है कि जो अभी CISF का जो ट्रेड टेस्ट हुआ था उसमें वहाँ पर प्रैक्टिकल जो है वो करवाया गया था। तो ठीक है, ये देखिए कि जो 3 नंबर आपको मिलेंगे किस चीज़ के, शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के खाने जो आपको बनाने आने चाहिए, दाल सब्जियों के जो पोषण तत्व होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके 3 नंबर मिल जाएंगे। और रसोई में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रिक उपकरण जो है वहाँ पर जो खाना बनाने में काम आ सकते हैं इलेक्ट्रिक उपकरण, उनके बारे में भी ज्ञान आपको होना चाहिए, उसके 3 नंबर आपको मिलेंगे, यानी कि माइक्रोवेव वगैरह जो। अच्छा आटा गूंथने, सब्जियों को काटने, मसाला पीसने के बारे में जानकारी के 3 नंबर आपको मिलेंगे। भोजन तैयार करने में प्रयोग होने वाली बर्तनों की धुलाई का जो ज्ञान आपको होना चाहिए तो उसके भी 3 नंबर मिलेंगे। रसोई में उच्च स्तर की स्वच्छता साफ सफाई का रखरखाव आपको करना आता है कि नहीं आता है तो 3 नंबर उसके। भोजन परोसने के तौर तरीकों की जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके भी 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि टोटल 20 नंबर आपके हो जाएंगे। इसके बाद बात करें जो वाटर कैरियर है, जिन्होंने वाटर कैरियर के लिए अप्लाई किया था तो उसके लिए देखिए यहाँ पर बर्तनों की धुलाई के 4 नंबर मिलेंगे। मैस वस्तुओं के भंडारण का ज्ञान आपको होना चाहिए, यानी कि जो आपका वहाँ खाना मिलता है जहाँ पर कैंटीन टाइप जो होती है उसका जो वहाँ पर जो भंडारण का जो राशन वगैरह उसका भंडारण का ज्ञान आपको है कि नहीं है तो उसके जो आपके 4 नंबर आपको मिलेंगे। रसोई में उच्च स्तर की स्वच्छता और साफ सफाई के लिए 4 नंबर। वाटर कूलर जो होते हैं उनको चलाना आपको आता है कि नहीं, उनके साफ सफाई वगैरह उसके 4 नंबर आपको उसके मिलेंगे। डेजर्ट कूलर्स में पेड़ों को बदलना और उनकी साफ सफाई करना तो 4 नंबर उसके जो आपको मिलेंगे, यानी कि जो घर में आप जैसे कूलर देखते हैं तो उनके जो घास फूस के जो पैड होते हैं उनको बदलना वगैरह उसके 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए सफाई कर्मचारी जो है उसके लिए यहाँ पर देखिए फिनाइल और एसिड से आपको फर्श की सफाई करनी आनी चाहिए, उनका ज्ञान आपको होना चाहिए, 4 नंबर उसके हैं। सफाई की गुणवत्ता के साफ सफाई आप अच्छे से कितनी कर सकते हैं उसके 5 नंबर मिलेंगे। और जो कचरा डालना और उसका निपटान करना, यानी कि जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं या फिर जो गीला जो कूड़ा कचरा होता है वो उनका अलग करना, फिर कांच वगैरह का अलग, इस तरह से आपको उस चीज़ की नॉलेज है कि नहीं उसके 2 नंबर मिलेंगे। और शौचालय वगैरह या सीवर सेफ्टिक टैंक या पाइप आदि की सफाई की जानकारी आपको है कि नहीं है तो उसके 9 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पर मांगा गया। हाँ किसी भी पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखिए जो मोची की पोस्ट है उसके लिए जूतों की सिलाई और मरम्मत करनी आपको आनी चाहिए, 4 नंबर उसके मिलेंगे। अपनी ट्रेड में प्रयोग में लाए जा रहे औजारों और उसके नामों की जानकारी होनी चाहिए, उसके 4 नंबर मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के चमड़ों की जानकारी होगी तो 3 नंबर उसके मिलेंगे। और जो कील और धागे वगैरह जो काम आते हैं जूते में तो उसके 3 नंबर मिलेंगे। चमड़े की सिलाई मशीन जो होती है उसके पुर्जों की जानकारी है कि नहीं है, 3 उसके नंबर मिलेंगे। और किसी भी खास रंग के चमड़े के लिए रंग जो है किस तरह तैयार किया जाता है उसके भी 3 नंबर जो यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद जो धोबी की पोस्ट थी उसमें देखिए यहाँ पर किस तरह ट्रेड टेस्ट होगा, तो निर्धारित समय में कपड़ों की धुलाई आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो 6 नंबर उसके मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के कपड़ों की इस्तरी के संबंध में, यानी कि जो प्रेस का आप करते हैं घर पे उस तरह वो प्रेस करने के बारे में आपकी जानकारी है कि नहीं है, 4 नंबर उसके। ड्राई क्लीन करनी आपको आती है कि नहीं, 6 नंबर उसके। धुलाई सामग्री या फिर साबुन और डिटर्जेंट पाउडर वगैरह का जो आपको नॉलेज ज्ञान जो है कि नहीं उसके 4 नंबर भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करें दर्जी की जो पोस्ट है उसमें सूती टेरिकोन या फिर ऊनी वर्दी की कटाई और सिलाई का ज्ञान आपको होना चाहिए, जिसके कि 8 नंबर मिलेंगे, 8 नंबर तक मिलने हैं। तो सिलाई मशीन की छोटी मोटी कमियों को सुधार करने और मरम्मत का ज्ञान होगा तो उसके 7 नंबर तक मिल सकते हैं। कटाई और सिलाई के लिए प्रयोग होने वाले औजारों की पहचान अगर आपको है तो उसके 5 नंबर तक आपको मिल जाएंगे। जो दफ्तरी की पोस्ट है उसकी बात यहाँ पर करें कि रजिस्टर और फाइलों का रखरखाव करना आपको आता है कि नहीं तो उसके 13 नंबर मिलेंगे। और जो डाक और फाइल हैं, डाक या फिर फाइलें जो हैं उनका वितरण या उनको जो कैटेगराइज करके जो आप अलग अलग तरह से किस तरह रखेंगे उनको, उसके जो है जानकारी है तो आप 7 नंबर तक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करें कि जो माली की पोस्ट है उसके लिए जो
पौधे, फूल पौधे या मौसमी पौधों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चार नंबर उसके मिलेंगे विभिन्न प्रकार के उर्वरकों और उनके प्रयोग की जानकारी के चार नंबर, विभिन्न प्रकार के बीजों के सुरक्षित रख रखाव और उनकी बुवाई की जानकारी के चार नंबर, पौधों को उभारने और कलम बांधने का जो ज्ञान है उसके तीन नंबर मिल सकते हैं। गुलदस्ता बनाने के विभिन्न प्रकार के फूलों का ज्ञान जो आपको होगा तो उसके तीन नंबर मिल जाएंगे, और जो माली की ट्रेड में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के औजारों का ज्ञान है उसके दो नंबर मिलेंगे, ठीक है। और जो इसके बाद बात करें जो नई की पोस्ट है उसमें विभिन्न प्रकार के बालों की कटाई की जानकारी आठ नंबर, शरीर की मालिश का ज्ञान अगर आपको है, मालिश करनी आती है तो चार नंबर, उसके बाल सुखाने और बाल काटने वाले औजारों का ज्ञान अगर है तो उसके आठ नंबर तक मिल सकते हैं। तो इस तरह 20 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट ये होगा। लास्ट में आते हैं बढ़ई की पोस्ट। तो रंधा मारना आपको आता है कि नहीं, जिन्होंने की लकड़िया काम किया हुआ है उनको पता होगा रंधा क्या होता है, तो चार नंबर उसके मिलेंगे। आरी का इस्तेमाल उसके चार नंबर मिलेंगे। दरवाजे या खिड़कियों के पताम की फिटिंग या कटिंग के चार नंबर। लकड़ी के जोड़ों का जो ज्ञान है उसके लिए तीन नंबर आपको मिल जाएंगे। प्लाईवुड और सनमाइका की फिक्सिंग या लैमिनेट करने की तकनीक जो है उसको वो भी आती है तो तीन नंबर उसके मिल जाएंगे। और शीशे की कटिंग की जानकारी आपको है तो आप दो नंबर उसके ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से 20 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद मेन बात ये देखिए कि सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अगर आप PDF स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया है। इसके बाद बात करें कि सिलेक्शन किस तरह होगा, तो जो लिखित परीक्षा मैंने आपको बताया कि 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और ट्रेड टेस्ट 20 नंबर का होगा, तो टोटल 120 नंबर की जो यहाँ पर जो लिस्ट जो है बनेगी 120 नंबर में से, ठीक है। तो जो आवेदन करते समय उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विकल्प और वरीयता के वो ध्यान में रखकर जो परीक्षा जो सूची जो वो बनेगी, रिजल्ट की जो लिस्ट है वो बन जाएगी। तो अंत में देखिए दो या दो से अधिक अगर कैंडिडेट्स के समान अंक आ जाते हैं तो उनमें जो अधिक उम्र का कैंडिडेट होगा उसको वरीयता वहाँ पर दिया जाएगा, उसका पहले सिलेक्शन होगा। अगर फिर भी उम्र भी सेम हो जाती है तो ट्रेड टेस्ट में जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा नंबर लिए होंगे उसको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर ट्रेड टेस्ट में भी समान मार्क्स उसको मिले हैं तो लिखित परीक्षा में जिसके ज़्यादा होंगे उसको वरीयता जो दी जाएगी। अगर उसमें भी समान होते हैं तो लास्ट में जो है आपके नाम के हिसाब से जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसमें जिसका पहले नाम आता है उसके हिसाब से तो उसको जो है वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि पहले कि फिजिकल या फिजिकल जो वो नहीं होना है, सिर्फ यहाँ पर लास्ट में ज्वाइनिंग से पहले जो आपका मेडिकल यहाँ पर होना है। तो जो जहाँ तक मुझे लगता है इससे जुड़ी सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, किस तरह सिलेक्शन होगा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।